आज का सवाल, बिना सेक्स के शादीशुदा औरतें कितने दिन रह पाते हैं? और आज का जो वीडियो है ना, वो सिर्फ शादीशुदा औरतों के बारे में है। कुंवारी लड़कियों की बात हम इस वीडियो में नहीं करेंगे, क्योंकि अक्सर कुंवारी लड़कियों की जो डिज़ायर लेवल होती है वो बड़ी अलग होती है, उनकी साइकोलॉजी भी अलग होती है। बहुत सारी औरतों को आपने देखा होगा जो डिवोर्सी हैं, या फिर विधवा हैं, या फिर अपने पति से लंबे समय तक दूर रहते हैं। यानी कि स्पेशली जो लोग नेवी में जॉब करते हैं, अक्सर उनके जो पतियाँ हैं वो 6 महीने 8 महीने बाद आते हैं। या फिर नेचुरली नॉर्मली भी शादीशुदा औरतें कितने दिन रह पाते हैं? तो इस वीडियो का जो भी कंक्लूशन है वो सिर्फ और सिर्फ मैरिड वुमेन्स के लिए है। सो लेट्स टॉक अबाउट द सेक्सुअल डिजायर ऑफ मैरिड वुमेन। हेलो एवरीवन, मैं हरितो, मेरे चैनल में आज सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बात करते हैं इसी पॉइंट के बारे में। देखिए, जो शादीशुदा औरतें हैं ना, वो एक दिन तो क्या, एक साल तो क्या, पूरी जिंदगी बिना सेक्स के रह पाती है। क्योंकि ये सारी चीज़ें ना, उसकी उम्र, उसकी परिस्थिति यानी कि उसका सिचुएशन, अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप उसके कैसे हैं और उसके बॉडी में लिबिडो कैसी है, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। बहुत सारी औरतें ऐसी होती हैं जो रोज़ करती हैं या फिर हफ्ते में 2-3 बार। ऐसी औरतें ज़्यादा दिन बिना सेक्स के नहीं रह पाती। अगर वो थोड़े से लंबे समय तक, यानी कि कम से कम 1-1.5 हफ्ते की मैं बात कर रही हूँ, अगर वो 1-1.5 हफ्ता भी बिना सेक्स के रह जाएं, तो उसको दिक्कतें शुरू हो जाती है। यानी कि हेडेक होना, यानी कि सर दर्द होना, या फिर बेचैनी होना, चिड़चिड़ापन आना, तनाव आना, झगड़ा करना, ये सारी चीज़ें फिर कॉमन हो जाती है। क्योंकि वो फिर अपने आप ही से थोड़ी बाहर हो जाती है, क्योंकि उसको रोज़ सेक्स करने की आदत है, या फिर उसको हफ्ते में 2-3 बार करने की आदत है, तो उसकी बॉडी उस तरीके से यूज्ड टू है। उसकी बॉडी की जो प्लेजर लेवल है या जो डिज़ायर लेवल है वो वैसे ही बनी हुई है और वो वैसे ही मेंटेन होती है। बट बहुत सारी औरतें ऐसी होती है जो शुरू से ही, शादी के शुरू से ही उसकी जो मैरिड लाइफ है उसमें प्रॉब्लम्स हैं। उसके पति के सेक्सुअल हेल्थ पे कोई प्रॉब्लम है, या फिर उन दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम है, संबंध ही शुरू से ही ज़्यादा नहीं बनते होंगे, या फिर दोनों में अंडरस्टैंडिंग लेवल ही अच्छी नहीं है। तो ऐसी औरतें जो होती हैं ना, वो संबंध बनाने की इच्छा भी कम रखती है। ऐसी औरतें सालों साल बिना संबंध के रह सकती है। वीडियो असल में संबंध के बिना रहना, ये जो परिस्थिति है, ये जो सिचुएशन है ना, वो एक फीमेल के साइकोलॉजी पे ज़्यादा डिपेंड करती है। मर्द जो है ना, वो फिजिकल लेवल पे ज़्यादा उसकी डिज़ायर होती है, जबकि औरतें साइकोलॉजी लेवल पे ज़्यादा सोचती है। और इस ये जो डिज़ायर है ना, ये उम्र, एज के ऊपर डिपेंड करता है, उसके लिबिडो पर डिपेंड करता है, या फिर डिलीवरी, प्रेगनेंसी, सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। और सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पे डिपेंड करता है वो उसके पति के साथ या उसके मेल पार्टनर के साथ उसके अंडरस्टैंडिंग लेवल कैसा है, दोनों के बीच अनबन होती कितनी लेवल की है, ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो नई नई शादीशुदा जोड़े होते हैं ना, जो फीमेल्स नई नई शादी करती हैं, उसके अंदर एक अट्रैक्शन होता है और अपने मेल पार्टनर के साथ संबंध बनाने की जो चाह होती है ना, वो भी नई नई होती है और बहुत हाई लेवल पे होती है। क्योंकि इसका रीज़न उसके पार्टनर की तरफ उसकी बहुत ही हाई लेवल की अट्रैक्शन होती है। पर धीरे धीरे रिश्ते में आने वाले जो चेंजेस होते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ किस लेवल पे उनकी अंडरस्टैंडिंग है, या फिर शादी के बाद बच्चा होना, घरेलू सिचुएशन यानी कि घर का माहौल कैसा है, दोनों के बीच शारीरिक संबंध किस लेवल पे बनता है, दोनों के बीच बॉन्डिंग कैसी है, ये सारी चीज़ों के ऊपर उनकी डिज़ायर करने की क्षमता कम होती है या बढ़ती है। और ये कुछ हद तक उनकी प्रेगनेंसी, डिलीवरी और रिश्ते में आने वाले तनाव के ऊपर ही पड़ता है। तो कंक्लूजन यही है कि ये सवाल का जवाब एक लाइन में दिया ही नहीं जा सकता। बहुत सारी औरतें होती है जो रोज़ाना संबंध बनाती है, बिना सेक्स के वो रह नहीं पाती, क्योंकि उसको उसकी आदत है। बहुत बार औरतें ऐसी होती है जब उसको लंबे समय तक सेक्स नहीं मिलता है अपने पार्टनर से, जबकि उसको आदत थी उस चीज़ की, वो बाहर अफेयर ढूंढने लगती है, बाहर किसी को ढूंढने लगती है। और वो एक समय के बाद ही होता है जब वो फिजिकल डिज़ायर के लिए बाहर संबंध बनाती है। बट बहुत सारी औरतें ऐसी होती है जिसका शुरू से ही शारीरिक संबंध के प्रति इतना ज़्यादा
अट्रैक्शन नहीं होता, फिजिकल डिजायर इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो एटलीस्ट इस वजह से बाहर संबंध बनाए, तो वो बिना सेक्स के लंबे समय तक, अरसों तक या फिर पूरी ज़िंदगी रह सकती है। और यहाँ बात ये भी है, डॉक्टर्स ये बताते हैं कि एक समय बाद अगर औरतें बिना सेक्स के रह भी जाए तो उसको कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ, सेक्स करने से जो बेनिफिट्स उसको मिलने चाहिए थे वो नहीं मिलते, बट ऐसा नहीं है कि इसके बिना वो ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। मर्दों को बिना सेक्स के अगर वो रह जाए तो उसको काफ़ी सारी दिक्कतें होती है, जबकि औरतों को ये दिक्कतें थोड़ी कम होती है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब, और आप मुझे इंस्टा पे या फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू, बाय।